प्रेम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि प्रेम वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं रोमो वॉइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, ये इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है जो आजकल की जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदू महिला ने जब पंडित से सवाल किया कि हमारे धर्म में सबसे बड़ा रिश्ता किसे कहा गया है, क्या पति पत्नी का रिश्ता ज़्यादा बड़ा होता है, या हम जब किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं या कोई लड़का किसी लड़की से या लड़का किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा होता है वो बड़ा रिश्ता होता है, तो कौन सा बड़ा रिश्ता है, आप ज़रा हमें हिंदू धर्म के मुताबिक बता सकेंगे? तो हम देखेंगे कि पंडित जी इस बारे में हिंदू धर्म को किस तरह से पेश करते हैं, इस हवाले को किस तरह से बयान करते हैं। उसके बाद जब यही सवाल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा गया तो उन्होंने कुरान और सही हदीस की रोशनी में बड़ी खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया। हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, चले दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी राधे राधे जी, मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि प्रेम वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है क्योंकि उनने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना ना, आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संगीता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हुई। हाँ। ये तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है, भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया, गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं, और आप जैसी लड़कियाँ, लाखों लड़कियाँ फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण, ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी, हर आत्मा के पति परमात्मा है, तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो राधा के भी, रुक्मणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी है। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं, अब लोग हाँ। नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना। हम वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है, राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण हैं और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी हैं, एक तत्व है। लीला करने आई हैं, हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं, है ना? श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं नहीं, हो गया। हो गया, क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनके पत्नी थी। हाँ, राधा जी भी पत्नी थी। तो मतलब पति पत्नी, तो पत्नी के साथ प्रेम करना बुरा थोड़ी है। हाँ। पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है जी। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं, हमें सही बात याद रखना चाहिए। माइक नंबर एक से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी, मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते, और दूसरा मेरा सवाल है, एक सवाल, एक होता है। हाँ। जी। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है?
पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष, कौन एक पुरुष एक ही स्त्री का स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। स्त्री मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ लेडीज। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है, कर सकते हैं। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक एक सवाल, काफी लाइन लगी है, टाइम भी खत्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है, इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा है, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है, उनका थे ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को चार थे। कितनी थी? चार। चार थी, आप चार कहते चलो मान लिया, हमें तीन बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। मेरा बोलने श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है, श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं आपके मुताबिक? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितने बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की चार क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते रख सकते, लेकिन इस्लाम में कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में क्या, मैरी वुमन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कैन डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1,000, 16,000 कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़के से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 million females, 78 lakh females are more than males।
इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है, यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है, रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुबहाना ताला जानता है कितनी लाखों औरतें करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, कितने 8, कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी, क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। Hope that answers the question. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।